वृंदावन कोतवाली की जैन चौकी क्षेत्र के गांव बाटी में युवक के फांसी लगाने की झूठी सूचना पर पुलिस को दौड़ लगानी पड़ी। पुलिस ने उस वक्त राहत की सांस ली जब मामला पति पत्नी के बीच विवाद का निकला। पुलिस सूचना देने वाले युवक को चौकी ले आई और झूठी सूचना देने के आरोप में युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। दरअसल वृंदावन कोतवाली की जैन चौकी इलाके के गांव बाटी में शुक्रवार को पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली, जिसकी सूचना किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर दी। फिर क्या था, कंट्रोल रूम को सूचना मिली। सूचना पर जैन पुलिस समेत स्वयं कोतवाली प्रभारी शशि प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ गांव बाटी पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पुलिस टीम को देखकर ग्रामीण सकते में आ गए। मामले में पीआरवी 1899 उस युवक को थाने ले आई जिसने ये सूचना दी थी। युवक के भाई वीरेंद्र ने बताया कि उसके भाई का अपनी पत्नी के साथ विवाद था। फांसी लगाने की सूचना किसने दी उन्हें खुद नहीं पता। जैन चौकी पर तैनात उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद में युवक पत्नी को फांसी लगाने की धमकी दे रहा था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवक के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है वीरेंद्र। कहाँ से आये हो? बाटी। ये तुम्हारे भाई फांसी लगा रहे थे आज? हाँ, ये फांसी का तो वैसे ही खाली वैसे बकवा बना दिया है। क्या नाम है इनका? गंगाराम। बाटी रहते हैं। बता रहे हैं कोई विवाद था पति पत्नी में? क्या था? नहीं, वैसे तो तुम्हें में हो गई थी पति पत्नी के बीच। तो क्या शराब के नशे में अब? ना, वैसे कोई नहीं शराब वराब, केवल आप तो उसमें ही कोई विवाद था वैसे हो। तो कंट्रोल रूम को सूचना किसने दी? सर यही तो पता नहीं है किसने दी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी ने नहीं दी? ना, पुलिस मालूम नहीं है। पुलिस आपके घर पे पहुंची फिर क्या हुआ? आपसे पूछा दरवाजे बुला रहे हैं फिर चलो, आपके भाई ने कोई सूचना नहीं दी? ना?